अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि पीछे हमने पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को समझने से पहले मैं आपको एक बार पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या था? अगर जैसे हमने HCl की मिसाल ली थी कि HCl के दरमियान जो है वो पोलर बॉन्ड होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और क्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी व्हेन टू डिफरेंट एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ and becomes partially negative charge and the rest of atom becomes partially positive charge। अब ये इनमें नॉन पोलर कोवलेंट तो बॉन्ड बन गया, अब ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनने में जो फोर्स डिवेलप हुई वो कौन सी फोर्स डिवेलप हुई? इंटर मोलिकुलर फोर्स डिवेलप हुई। यानी जब एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसने दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और पार्शियल नेगेटिव बन गया और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव बन गया, उस दौरान यानी HCl में जो फोर्स डिवेलप हुई वो कौन सी बनी? फोर्स इंटर मोलिकुलर फोर्स बनी। इंटर मोलिकुलर फोर्स बेसिकली आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत वीक फोर्स होती हैं, और इंटर मोलिकुलर फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन, डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन, और इसकी सेकेंड वन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं कि वो क्या है। डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन यानी ऐसी फोर्सेज जिसमें डाई मतलब होता है टू और पोल यानी एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव पोल हो। यानी दो एटम्स जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस दौरान जो फोर्सेज डेवलप होती है वो डाइपल डाइपल इंट्रैक्शन या डाइपल डाइपल फोर्सेज कहलाती हैं। डाई मतलब टू और पोल मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूं। एक पोलर मॉलिक्यूल ये है, ये इसका नेगेटिव एंड, और एक ये इसका पॉजिटिव एंड। एक पोलर मॉलिक्यूल ये है, ये इसका नेगेटिव एंड और ये इसका पॉजिटिव एंड। एक पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये इसका नेगेटिव एंड और ये इसका पॉजिटिव एंड, ठीक है। एक और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका नेगेटिव एंड और ये इसका पॉजिटिव एंड बन गया। अब मैंने यहाँ चार पोलर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इन चारों पोलर मॉलिक्यूल में दरमियान में जब जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहलाएगी। डाइपोल यानी दो पोल, एक ये पोल एक ये पोल, पोल मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। आपको पता है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो जैसे एक लाइक चार्जेज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बीच में जो फोर्सेस डेवलप होंगी वो कौन सी होंगी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी है कि स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। यानी एक पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के अगर पॉजिटिव एंड से अटैच हो जाए उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी वो कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। यानी स्लाइटली यानी हल्का सा, यानी ये फोर्स वीक होती है टूट भी जाती है। स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इज वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ये है और ये है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। यानी इस नेगेटिव एंड एक पोलर मॉलिक्यूल का वीकली अट्रैक्टिव हो जाए टू द अनदर पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इसकी जो दूसरी टाइप्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से जाहिर है मतलब इसके दरमियान में हाइड्रोजन अपना पार्ट जो है वो प्ले करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं यहाँ वाटर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ, ये वाटर है, आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उसने एक साथ शेयर किया हुआ, एक इसके साथ शेयर किया। अब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह यहाँ एक और वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये देखें, फिर हम एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अब आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन है ये बीच वाला हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वो कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? आपको मालूम है कि जब ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब शेयरिंग होगी ना इसकी और इसकी आपस में
तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो यानी ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। जब ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यानी इसका सपना एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब इसने इसके साथ शेयरिंग की तो वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ खींच लिया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी ये डेफिशिएंट हो गया। जब ये डेफिशिएंट हो गया तो अब ये क्या करेगा कि ये अपना आउटोमोस कम्प्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर हम सिंपल वर्ड में क्या कहें तो क्या कहेंगे, द इंट्रैक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने जब इसके साथ शेयर किया, इसने खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, नहीं इसमें कमी होगी। द इंट्रैक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ द नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एस ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब डेवलप होती है, जब एक एटम यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए और वो किसी भी ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए या फ्लोरीन के साथ लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग बना ले, तो जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी जो बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों भी शेयर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो ये अपना ऑटोमोस कम्प्लीट करने के लिए इसके साथ जो बॉन्डिंग करेगा वो बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। दोबारा अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या है, द इंट्रैक्शन ऑफ अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड अ लोन पेयर ऑन द नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एस ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें तो वो क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, टू अ वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एस ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इज़ आल्सो वीकली बॉन्डेड टू अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डेफिशिएंट बना देते हैं, क्या जब ये शेयरिंग करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। दस इंट्रैक्शन ऑफ अ सच अ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन टू अ नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपनसेट फॉर द डेफिशिएंसी। अब ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है या अपना ऑटोमोस कंप्लीट कर रहा है, यानी कंपनसेट कर रहा है, यानी इसके साथ क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ताकि इसका ऑटोमोस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, ताकि इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो सके। दिस इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल वर्ड में क्या है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि द हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, ठीक है, एंड अ लोन पेयर ऑन द नियर बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन, या ऑक्सीजन है, ठीक है, इस कॉल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये अपनी डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अपना लोन पेयर, उसके लोन पेयर के साथ अपना कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो बॉन्डिंग बनेगी ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उससे पहले हमने ये पढ़ा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो दो तरह की होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली से लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू।